हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के 9th चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वृहदणु के बारे में, जैवणु के बारे में और सूक्ष्मणु के बारे में। हमने यहाँ तक क्या देख लिया कि किस तरीके से हमने भस्म विधि करी, पृथक्करण विधि करी, उसके बाद में हमने देखा कि प्रोटीन कैसे बन रहे हैं, फिर हमने देखा कि जो लिपिड्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हमने क्या कर रखा है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड देखा यानी कि संतृप्त और असंतृप्त देखा, किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना था, किस तरीके से जो फॉस्फोलिपिड हमारी बनी थी वो हमने देख ली, मतलब अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, हाँ या ना। अब हम देख रहे हैं वृहदणु के बारे में, यानी कि जो पृथक्करण विधि अपन ने करी थी उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, लिपिड के केस में कि लिपिड वृहत मैक्रो मतलब वृहत जैव अणु है या सूक्ष्म जैव अणु है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वृहत जैव अणु यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम यूं ही कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, वृहत अणु में आ रहा है अपना कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, न्यूक्लिक अम्ल आ रहा है, लेकिन लिपिड का क्या है ना, लिपिड का क्या और क्यों, क्यों वो ऊपर छलनी के ऊपर रह गए थे और क्यों वो नीचे नहीं आए और फिर भी उनका जो डाल्टन जो वेट होता है वो कितना है। ठीक है, देखते हैं अभी अपन। ये जैव अणु जिनका अणु भार 10,000 डाल्टन होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बच्चों, है ना, जो मैक्रोमोलिक्यूल, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं आता है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं अपने ये, ठीक है, क्या आते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों, इनका जो वेट है, इनका जो भार है वो कितना है, 10,000 डाल्टन है। ठीक है, 10,000 डाल्टन है, सॉरी, है ना, 10,000 डाल्टन है, तो उससे अधिक हो तो उन्हें वृहदणु कहते हैं। 10,000 डाल्टन या उससे अधिक उसका भार हो तो वृहदणु की कैटेगरी में आता है, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड आदि, प्रोटीन, है ना, ये सब किस में आ रहा है, वृहदणु में। ये बहुलक होते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे अपन प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया है ना, फिर हम बोल रहे हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जुड़ करके या ऑलिगोसैकेराइड जुड़ करके हमारा क्या बना रहा है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल हमारा बन रहा है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार है वो मिलकर के पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं डीएनए और आरएनए का, हाँ या ना, न्यूक्लिक अम्ल बना रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो पॉलीमर हो गए, क्या हो गए, बहुलक हो गए किसी भी चीज़ के। ये बहुलक होते हैं, आपस में संगठित होकर के जीवों को संगठित बनाते हैं, मतलब खुद संगठित होंगे। हमने बात करी थी स्टार्टिंग में चैप्टर में कि जब अपन रासायनिक विज्ञान के तहत सोचेंगे, है ना, जब अपन रसायन विज्ञान के तहत सोचेंगे तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे एल्किलॉइड्स जो हो गए, है ना, एल्डिहाइड जो हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड जो हो गए, उसका अपन ने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला या कोई भी हमने रिएक्शन करी उससे हमने पता लगा लिया। लेकिन जब अपन जीव विज्ञान के आधार पर सोचेंगे तो हमें क्या क्या सर्च करना पड़ेगा, उसका न्यूक्लिक एसिड कैसा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन कैसे है, है ना, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किस तरीके से कौन कौन से प्रोटीन बना रहे हैं वो हम सोचेंगे, कार्बोहाइड्रेट कैसा मिल रहा है, मोनोसैकेराइड मिल रहा है कि पॉलीसैकेराइड मिल रहा है, इसी तरीके से हमने सोची थी बातें। अम्ल अविलय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक, है ना, अम्ल कैसे, वापस से अपन एक स्लाइड ले लेते हैं बच्चों, ले ली हमने स्लाइड, ये लो, हमने क्या किया था, हमने क्या लिया था, इधर दे, हाँ ठीक है, यहाँ पर अपन ने यकृत लिया था, इसमें अपन ने क्या डाला था, CCl3COOH, है ना, यही डाला था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला था, है ना, इसको एक स्लरी बना ली, कर्दम जिसको हमने बोला था, कर्दम बना लिया था, कर्दम आ गया, हमने इसको क्या करा, छाना, छाना, छानने में क्या हुआ, छानने के दौरान ये जो छलनी है ना, छलनी है, ये लो, इसमें छोटे 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 छिद्र बना दिए, ये हमारा कंटेनर था। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या आया था, अम्ल विलय, है ना, अम्ल विलय थे, यहाँ पर जो ऊपर रह गए थे ये क्या थे, अम्ल अविलय, ऐसा ही बोला था हमने, तो ये जो थे ये तो थे अम्ल विलय, जिसको हमने क्या बोला था, फिल्ट्रेट बोला था, यानी कि निसंदेह,
ठीक है, निसंदेह बोला था फिल्ट्रेट जो कि अम्ल विलय थे, अम्ल अविलय जो थे उनको हमने बोला था रिटेंटेट, रिटेंटेट है ना, यानी कि निसंदेह और धारित है ना, धारित बोला था। तो जो धारित थे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 10,000 से ज्यादा होगा, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा है ना। और जो अम्ल में विलय होंगे उसका क्या होगा, 10,000 से जो डाल्टन है उससे कम होगा, हाँ है ना, ये बात हुई हमारी। अब क्या हुआ, तो जो यहां पर अपन को मिले जो अम्ल में अविलय थे उसको हमने क्या बोला था, वृहत जैव अणु, हाँ ना, वृहत जैव अणु बोला। यहां पर जो नीचे मिले थे इनको हमने बोला सूक्ष्म अणु, यही बोला था बच्चों, सूक्ष्म जैव अणु बोला था। यहां पर वृहत जैव अणु, यहां पर सूक्ष्म जैव अणु मिले थे फिल्ट्रेट करने के बाद में। अब क्या हुआ, यहां पर जो अपन को मिला वो क्या मिला, प्रोटीन मिला है ना, हमें मिल गया वसा है ना, यहां पे अपन को मिल गया न्यूक्लिक अम्ल, फाइन। अब क्या हुआ, यहां पर लिपिड भी हमें मिला, यहां पर अपन को चार यौगिक मिले जिसमें लिपिड थे, प्रोटीन थी, वसा थी और न्यूक्लिक अम्ल था, हाँ है ना, ये हमने पढ़ा। देखो एक बार, बहुल कहाँ गया, यौगिक मिले कौन सा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। इस कारण से ये जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। अब देखो कैसे हुए, दो प्रकार के हुए, सूक्ष्म अणु और वृहत अणु, जैसा कि अभी हमने देखा सूक्ष्म अणु और हमारा वृहत जैव अणु मिला, फाइन। एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है ना, 1000 डाल्टन से भी, सॉरी मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया, यहाँ पर आएगा अपना 1000 है ना, क्योंकि अपन इतनी देर से 10,000 बोल रहे थे इसलिए 1000 डाल्टन से भी कम है, 1000 डाल्टन से कम है तो वो क्या आएगा, हमारा सूक्ष्म अणु आएगा। और ये क्या है, एसिड सॉल्यूबल है ना, जो अम्ल में विलय हो चुके हैं, वृहत अणु, जबकि जो अम्ल में अविलय है ठीक है उन्हें हम वृहत अणु कह रहे हैं, ठीक है। बहुलक लिपिड के अतिरिक्त अविलय अंशों में पाए जाने वाले कुछ अणु क्या थे, बहुलक थे। अब क्या होगा, लिपिड हमने बोला, लिपिड पे जो क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि लिपिड यदि इनसॉल्यूबल तो है लेकिन क्यों, जबकि इसका मॉलिकुलर वेट जो है 800 से अधिक नहीं है। और अपन ने बात करी कि जो 1000 से कम होगा वो किस में आएगा, सूक्ष्म अणु में आएगा, ये बोला अपन ने। आप बोल रहे होंगे कि मैम अभी आपने बताया कि जो 1000 उसका जब मॉलिकुलर वेट होगा है ना, जो उसका भार होगा 1000 से कम होगा तो वो तो सूक्ष्म अणु होगा, और हमने देखा कि लिपिड का जो वेट है वो तो 800 ही है, 1000 से कम है ना, 1000 से कम है। अब लेकिन ये तो चलनी के ऊपर ही रह गया, ये तो चलनी के ऊपर ही रह गया, ऐसा क्यों, क्यों ये मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं है और ये चलनी के ऊपर भी रह गया, ऐसा क्यों, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। भाई यही क्वेश्चन हो गया दिमाग में, यही क्वेश्चन आ रहा है कैसे, मतलब दिमाग चल ही नहीं रहा, ये हुआ कैसे भैया, 1000 मॉलिक्यूलर वेट से कम वाला सूक्ष्म अणु है, ये बंदा तो चोटा निकला, ये बंदा तो चोटा और चालाक निकला, कैसे, क्यों, 800 मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी 10,000 वाले मॉलिक्यूलर वेट के पास में खड़ा है, क्या बात है ना, क्यों खड़ा है, अब देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं, ले ली हमने स्लाइड, क्या हुआ बच्चों, जब अपन ने बात करी थी किसकी है ना, अभी बताती हूँ किसकी बात करी, फाइन, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना भाई, हमारी क्या है, द्रव्य झिल्ली है ना, द्रव्य झिल्ली है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे हैं, फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे हैं, हाँ है ना, ये पता है अपन को। हमने क्या किया, हमने टिश्यू लिया था, इसको क्या किया, पीसा है ना, क्रश किया, क्रश किया किसके साथ किया, CCl3COH के साथ करा है ना, तो हमको क्या मिला,
इस तरीके से। फिर लिपिड भी यहाँ मौजूद है, है ना, जबकि ये 800 का ही है। क्यों, ये क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो आपको पता है ये फॉस्फोलिपिड बनी है, इसको मैंने यहाँ पर क्रश किया, ठीक है, क्रश किया। क्रश करने के बाद क्या, ये इस तरीके से टूट गई। जैसे मान लो ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ये, है ना भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बड़ी होगी ना जितनी कोशिका। ये ऐसे ऐसे टूट गई, है ना, तो ये कैसे टूट गई, ऐसे ऐसे टूट गई। तो यहाँ पर इसमें लिपिड तो नहीं टूटा, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि आपको पता है कि जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो है, ये क्या है, इसकी टेल है। और इसकी जो टेल है, जो नीचे का हिस्सा है, वो कैसा है, जो जल अप्रिय है, जल अप्रिय है, मतलब ये जल से इसका कोई लगाव नहीं है। जल में लगाव नहीं है तो ये घुलेगा कैसे, जल में लगाव नहीं है तो ये घुलेगा कैसे। तो इसने क्या करा, ये जो संरचना है इसने इस तरीके से कर ली, ठीक है, इसने अपने आप को फोल्ड कर लिया, ये लो कर लिया, ठीक है, इसने ऐसे ऐसे अपने आप को फोल्ड कर लिया। जितने भी भाग थे उसने अपने आप को, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे उसने आपको फोल्ड कर लिया। अब ये फोल्ड करके क्या हो गए, चलनी के ऊपर ही रह गए, ये नीचे आए नहीं। क्यों, क्योंकि अब इनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो गया ना, मतलब मॉलिकुलर वेट यानी कि ये वृहत बन गए भाई, बड़े बन गए ना। ये छोटे कहाँ रहे, ये ऐसे थे टुकड़ों में, इन्होंने यूं बना लिया, बड़े बड़े गोल चक्रे बना दिए, तो ये अंदर गए नहीं इस पोर्स के द्वारा, और ये वृहत अणु के साथ ही रह गए और पुटिका बना ली। अब क्या हुआ देखें ज़रा, लिपिड जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते वे अम्ल में अविलय अंश या वृहत आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं, है ना, क्यों आते हैं। देखें, लिपिड कम अणुभार के यौगिक होते हैं, हाँ है ना, 1000 से कम ही है, ठीक है, वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। अभी अपन ने क्या देखा, ये कोशिका झिल्ली तो देखी, हाँ है ना, कोशिका झिल्ली देखी, है ना, उत्तकों को जब पीसते हैं, उत्तकों के हमने क्या करा, क्रश किया, ये लो हमने क्रश कर दिया, फाइन, तब कोशिकीय संरचना विघटित हो गई। जो कोशिकीय संरचना है वो क्या हो गई, विघटित हो गई, ये लो विघटित हो गई, छोटे छोटे कणों में टूट गई, टूट गई। अब क्या होगा, कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है, ये भी हमने कर लिया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने विखंडित कर लिया, कर लिया हमने विखंडित, ठीक है, एक एक लाइन को मैंने अर्थ में समझाया बच्चों। और पुटिका बना लेते हैं जो जल में अघुलनशील, जो सॉरी जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, ये भी हमने देखा कि ये पुटिका, ये क्या है, पुटिका है, और ये पुटिका क्या है, क्योंकि ये जल अप्रिय है तो ये जल में अघुलनशील है, ठीक है, जल में अघुलनशील है ये पुटिका, ठीक है, यही बोल रहा है, पुटिका जल में अघुलनशील है। इन झिल्लियों की पुटिका के रूप में टुकड़े, जो टुकड़े हैं वो अम्ल में अविलय हो गए, है ना, और पृथक हो जाते हैं, जो वृहत आणविक अंश का भाग हो जाते हैं, जो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट है उसी के साथ में ये बैठ जाते हैं गोल गोल बन करके, है ना। और यही कारण है जो लिपिड हैं वो ऊपर आ जाते हैं अपने रिटेंटेट में, यानी कि धारित में आ जाते हैं, लेकिन धारित में आने के बाद भी जो लिपिड हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते, क्या है वो, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। अम्ल विलय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। अब ये मत कहना कि अरे मैम आपने तो क्या किया, आपने हमको बताया ही नहीं कि जो लिपिड्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं है, आया समझ में, ऊपर क्यों रह गए, है ना, जल और ये विलय क्यों नहीं है, ये भी हमने देख लिया। इसकी कोशिका झिल्ली की हम पर ने संरचना तीसरी बार देख ली है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए जो इसका सिर वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, जल में जल प्रिय है कि जल अप्रिय है, ठीक है, हमने बात कर ली है, आ गया। आपका भी कन्फ्यूज होगा, नहीं होगा ना कभी कन्फ्यूजन, कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृहत अणु अम्ल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर जीव उत्तकों और जीवों का संगठन बनाते हैं। अब इम्पोर्टेंट, जीवों में पानी सर्वाधिक बहुमूल्यता वाला रसायन है, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, जो अवयव है सबसे ज़्यादा जो है कोशिका में क्या पाया जाता है ये देखना है, तो जल 70-90% सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इम्पोर्टेंट वन, प्रोटीन 10-15, कार्बोहाइड्रेट 3,
लिपिड 2, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7 और आयन हमारा 1। आपको पता होना चाहिए कौन कितनी मात्रा में है, क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके से हमारा वृहतणु भी खत्म। समझ में आ गया लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं है, वृहतणु क्यों नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बात। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना, प्रथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जब तक अपने जो भी कोई डाउट आ रहा है ना आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, अपन इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।